हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक डिलीशियस सा स्वीट डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है चॉकलेट केक। तो मैं यहाँ सारे ओरियो बिस्किट्स के क्रीम हटाकर और इनको ग्राइंडर में डालकर इनका पाउडर बना लेती हूँ। तो चलिए, ये पाउडर तैयार हो गया है। अब इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। और जितना क्वांटिटी हो उससे ज़्यादा, थोड़ा दो गुना तीन गुना बर्तन लेना चाहिए। और इसमें मैंने मिलाया है थोड़ा सा शुगर पाउडर और थोड़ा सा दूध। दूध उतना लेना है जिससे कि ये पेस्ट सा बन जाए, स्मूथ सा पेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं, और मैंने डाल दिया है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा और दूध डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से, यहाँ थोड़ा गाढ़ा पेस्ट है इसको थोड़ा और। और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा घी, तो और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट यानी कोकोनट को क्रश करके और ग्रेट करके, और थोड़ा सा काजू है, आलमंड है, ये सब डाल के और ऐसा ही गाढ़ा पेस्ट बनाना है। और यहाँ मैं बाउल में, दूसरे बाउल में मैं घी से उसको ग्रीस करके और उसमें मैंने सारा बैटर टिन डाल दिया है। और बैटर को इसमें टैप टैप करके इस बॉल को, बैटर को सेट कर देना है इसमें। और फिर कढ़ाई में नमक डाल के उसको 5 मिनट के लिए हीट करना है। अब उसके बाद इस बैटर को बॉल सहित इसमें रख देंगे और ऊपर से ढक देंगे 20-25 मिनट के लिए। तब तक इधर जो हमने बिस्किट से क्रीम निकाले हैं उनको दूध के साथ मेल्ट करके उसको डेकोरेशन के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी क्रीम पिघल के तैयार हो चुकी है। और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी अलग से हम काट लेंगे अंदर, तो दिया ही हुआ है। और इधर हम चाकू की नोक से देख लेंगे कि हमारा केक तैयार है। तो केक हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और इधर क्रीम में हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ग्रेट कर, कोकोनट को ग्रेट करके और बाकी कैशियो और आलमंड को कट करके रख लिया है। और इधर थोड़ा सा हम चाकू की नोक से इसको अलग करते हुए और फिर उसको पलट के टैप टैप करके, ये देखिए केक निकल गया थाली में। तो चलिए, आज फिर अभी डेकोरेशन कर लेते हैं। और आपको अगर जैसा इच्छा हो डेकोरेशन, जैसा आप चाहते हो, मैं तो यहाँ अभी सिंपल कर रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़े से चॉकलेट्स भी ऊपर से डाल दिए हैं डेकोरेशन के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें डेकोरेट कर सकते हैं केक को। तो चलिए, केक रेडी टू कट है। और आ जाइए, आप लोग में से जिनका बर्थडे है उनके नाम